और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनावों को लेकर राजस्थान में भाजपा के सबसे बड़े असंतोष की बात की जाए तो वो बीकानेर में देखने को मिला, जहां पार्टी ने अर्जुन मेघवाल को तीसरी बार टिकट दिया। इसके विरोध में कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने एक बार फिर पार्टी को अलविदा कह दिया। भारत पाक सीमा के करीब स्थित गांव बरसलपुर के सरपंच बनकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाला ये शख्स कई बार राजनीतिक सुर्खियों में रहा। कुश्ती के अखाड़े में सूरमा पहलवान की भांति राजनीति के पिच पर भी इसने अपने ढंग से पारी खेली। भैरव सिंह शेखावत की सरकार में मंत्री रहने के दौरान अपने ही विभाग के IAS KP सिंह देव पर हाथ उठाने की घटना पर मंत्री पद छोड़ने वाले शख्स देवी सिंह भाटी का इससे पहले और बाद में अंदाज बदल गया हो ऐसा नहीं दिखा। राजस्थान की राजनीति के बिरले नामों में से भाटी को एक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यही कारण रहा कि पार्टी का ऑरा कभी उन पर हावी नहीं हुआ। 1980 से 2008 तक लगातार 7 चुनाव में पार्टी की बजाय हमेशा देवी सिंह भाटी जीते, ये कहना गलत नहीं होगा। पहला और दूसरा चुनाव जनता पार्टी और तीसरा जनता दल से जीतने के बाद भाटी भाजपा में शामिल हुए और 1993 में पहली बार कोलायत में कमल लहराया। इसके बाद हुए 1998 के चुनाव में फिर भाटी भाजपा से चुनाव लड़े और जीते, लेकिन एक बार फिर सामाजिक आरक्षण व्यवस्था को लेकर भाटी ने सामाजिक न्याय मंच का गठन कर उसके बैनर तले चुनाव लड़े और जीते। करीब 7-8 साल पार्टी से बाहर रहे भाटी की 2008 में विधानसभा चुनाव से पहले घर वापसी हुई और फिर से भाटी के बूते भाजपा कोलायत में जीती। 2013 में 8वीं बार भाटी का विजयी रथ युवा भंवर सिंह भाटी ने रोका। उस समय महज 1100 वोटों से भाटी चुनाव हार गए, लेकिन इसके बाद भी भाटी का जलवा खत्म नहीं हुआ। 2018 में भाटी ने खुद चुनाव नहीं लड़कर अपनी पुत्र वधु पूनम कंवर को अपनी जगह मैदान में उतारा, लेकिन वो भी 11,000 के करीब वोटों से चुनाव हार गई। यहाँ राजनीतिक रूप से भाटी का चुनावी ग्राफ जरूर नीचे गिरा, लेकिन लगातार 7 चुनावों की एक छत्र जीत के चलते आज भी भाटी का कोलायत ही नहीं जिले की अन्य सीटों पर थोड़ा ही सही लेकिन प्रभाव जरूर है। रही बात 5 सालों में 2 चुनाव हारने की, तो इसके पीछे कई राजनीतिक पहेलियां भी हैं जिनको सुलझाने के लिए भाटी अभी बीकानेर लोकसभा की गलियों में घूम रहे हैं। लेकिन बात करें आज की, तो 10 साल तक बीकानेर से सांसद अर्जुन मेघवाल भले ही भाटी के विरोध पर प्रतिक्रियात्मक प्रहार करने की बजाय अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि भाटी के गढ़ में वे किसके सहारे घुसेंगे इसका जवाब उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। दरअसल 1980 के बाद कोलायत में भाजपा का कोई ऐसा नेता नहीं बना जो भाटी के कद का मुकाबला कर सके, और जो खड़ा हुआ वो भाटी के वरदहस्त से उनका समर्थक बनकर। ऐसे में मेघवाल को साथ लेकर चुनाव प्रचार में कोलायत कौन घूमेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये भी एक संयोग है कि जब भाटी पार्टी से बाहर थे उस वक्त प्रदेश में भाजपा के गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष थे और कोलायत दौर में उनके साथ मारपीट की घटना हुई। ऐसे में उस घटना को आंखों से देखने और सुनने वालों को लगता है कि कोलायत जाना ठीक नहीं है। अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का चुनाव में कोलायत में बूथ पर कौन सदस्य बैठेगा ये तो अलग बात है, लेकिन उससे पहले मतदाताओं से वोट कौन मांगेगा, ये सवाल भाजपा को अंदर खाने में सताया जा रहा है। यही कारण है कि केवल एक बार कोलायत में औपचारिकता निभाते हुए अर्जुन मेघवाल घूमे हैं, लेकिन प्रचार जैसी बात अभी नजर नहीं आई है। हालांकि अंदर खाने में मेघवाल का खुद का एक विशेष वोट बैंक भी कोलायत में है, जिसको लेकर ही भाटी की मेघवाल से नाराजगी है। उनको लगता है कि मेघवाल की वजह से ये वोट बैंक उनको नहीं मिले, लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात यह है कि अब मेघवाल और भाजपा कब कोलायत का रुख करते हैं। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।